नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी वन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल तरीके पीरियड्स में होने वाली हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के। हैवी ब्लीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी पेशेंट्स को परेशान करती है। तकरीबन 30 साल से लेकर के 45 साल तक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इससे यंग और ओल्ड पेशेंट्स भी आ सकते हैं, बट कॉमनली इसी एज ग्रुप में पेशेंट्स आते हैं। हैवी ब्लीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सीधा यूट्रस निकाल दिया जाए। इसके लिए पहले हमें ये एस्टैब्लिश करना होता है कि ब्लीडिंग होने का प्रॉब्लम, मतलब कॉज क्या है, किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसका करेक्ट ट्रीटमेंट देकर हम हिस्टरेक्टमी बचा सकते हैं। हर मरीज में यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जो 40 साल से कम के पेशेंट हैं उनमें हम दवाइयों से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि ब्लीडिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती हैं। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से मरीजों का हीमोग्लोबिन फॉल कर जाता है, वीकनेस रहती है, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, वो अपना घर का काम नहीं कर पाते, तो इसलिए सही सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूट्रस निकालने के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और यूट्रस निकालना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकती तो अलग बात है, लेकिन मेडिसिंस के साथ और आजकल हमारे पास हार्मोन वाले कॉपर्टी की तरह एक डिवाइस होता है, उसके साथ हम ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जिन डिवाइसेस की मैं बात कर रही हूँ वो हम यूट्रस में डाल देते हैं, जिनसे कि लाइनिंग थिन होने की वजह से पेशेंट की हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इन सब प्रोसीजर्स के पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लीडिंग हैवी क्यों हो रही है, जिसके लिए हमें एक एंडोस्कोपी मतलब हिस्ट्रोस्कोपी करनी होती है और अंदर से एक बायोप्सी लेना ज़रूरी है। सही सलाह से आप सही एडवाइस से अपना यूट्रस बचा सकते हैं और ब्लीडिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।